नमस्कार। ये सहदेवी का पौधा है और मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी सदुपयोगी पौधा है। वनस्पति है, ये गॉड गिफ्ट है मानव के लिए। इसको लगाना बहुत आवश्यक भी रहता है और लाभप्रद भी। रोट के उपाय आदि करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र में धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अभी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे को उपयोग में लाएं, आपकी भी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल हो पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाले पौधे के नाम से जाना जाता है। सहदेवी के पौधे के उपाय। सहदेवी के पौधे को रवि, पुष्य, नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आए। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएंगे, कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़ कर घर ले आए। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत पूजन कर सिद्ध करें। सहदेवी के पौधे के लाभ। नंबर 1, सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और लगातार बढ़ता जाता है। नंबर 2, रसोई घर या अनाज के भंडारण घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 3, घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हो और फैसला आने वाला हो तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधे या जेब में धारण करके जाएं, निश्चित ही विजय मिलेगी। नंबर 5, सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वशीभूत रहेंगे। नंबर 6, सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जीवा पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि होती है, हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। नंबर 7, इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। नंबर 8, सहदेवी के पौधे की छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे पान में डालकर खिला देंगे वह आपके वशीकरण पास में बन जाएगा। नंबर 9, सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। नंबर 10, सहदेवी की जड़ को दाहिने बांह पर बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं।